आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक नवा अध्याय वचन 1-12। फिर यहुआ ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहुआ तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़ बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इसराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इसराइलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहुआ ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इसराइलियों का एक भी पशु न मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इसराइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। फिर यहुआ ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। इसलिए वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहुआ ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहुआ ने मूसा से कहा था उसने उसकी न सुनी।